मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह हमेशा मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों इतनी तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ने जवाब दिया, मेरी प्यारी बंदी, मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए तुम्हें ही आजमाता हूँ कि देख सकूं तुम मेरी रजा हासिल करने के लिए कितना सब्र करती हो। फिर मैंने कहा, लेकिन मेरे खाली, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं, तो फिर मुझे तकलीफ में तड़पते हुए कैसे देख सकती हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, मेरी बंदी, मेरी मोहब्बत की दलील ये है कि मैं तुम्हें आजमाइश में डालकर सब्र अता करके जन्नत में देखना चाहता हूँ। मैंने फिर आंसू भरी आंखों से कहा, अल्लाह सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? अल्लाह ने जवाब दिया, हाँ मेरी बंदी, सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। फिर अल्लाह ने कहा, मेरी बंदी, मुझ पर यकीन रखती हो? मैंने कहा, हाँ अल्लाह, इससे बढ़कर है ही क्या। अल्लाह ने जवाब दिया, तो बस मेरी बंदी, मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, तुम्हारी औकात से ज्यादा बढ़ कर देगा। फिर मैंने कहा, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, आपकी नाफरमान बंदी हूँ, क्या इतना नाफरमानियों के बाद भी माफ करेंगे मुझे? क्योंकि अल्लाह आप तो दिल देखते हैं ना, मगर मैं तो अपने उसी दिल को गुनाहों की स्याही से आलूदा कर आई हूँ, क्या गुनाहों की स्याही के बावजूद आप अभी भी दोस्त रखेंगे मुझे अपना, बताइए ना अल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया, मेरी प्यारी बंदी, क्या सूरह यूसुफ में तुमने पढ़ा नहीं, वही लोग ना उम्मीद होते हैं जो काफिर है, फिर तुम क्यों ना उम्मीद हो रही हो? मैं तुम्हारी गुनाहों को बख्श दूंगा, क्या तुमने कुरान में पढ़ा नहीं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है।